नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 22 मई और इस समय की आपको 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हर प्रकार की अपडेट के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते आज की इस समय की शिक्षा विभाग से संबंधित बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान जयपुर विषय में चयन बोर्ड में भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच व अंतिम परिणाम जारी किए जाने की अनुमति के संबंध में। आपका पत्र 13/4/24 आप देख सकते हैं। विषयांतर संदर्भ पत्र के क्रम में लेकर कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 21 मई 2024 की जो प्रति है संलग्न करके आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। इसमें जैसा कि साथियों आपको कल अपडेट दी गई थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो विभिन्न पेंडिंग परिणाम है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के, उसको लेकर के भारतीय चुनाव आयोग ने जो है अनुमति दे दी है और उस संबंध में यहाँ पर जो है राजस्थान सरकार की ओर से ये पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं आज की बड़ी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरपीएससी से संबंधित अगली अपडेट, यहाँ पर प्रेस नोट जारी हुआ है। आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डीएनए साइबर फोरेंसिक एंड पोलिग्राफी डिवीजन और सहायक निदेशक, आप देख सकते हैं, ग्रुप फर्स्ट विभाग 2021 के पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक जो कि 30 मई 2024 को आयोजित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र में फोटो प्रति साथ अवश्य लाए, अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। तो उससे संबंधित अपडेट आप देख सकते हैं, आरपीएससी फ्रेश नोट जारी हुआ है आज। अगली अपडेट यहां पर, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक डूंगरपुर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट इस समय की। आज की विषय, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश और डिग्रियों की प्रमाणित शुदा प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने बाबत। विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में यहां पर निर्देशित किया जाता है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित संलग्न लिस्ट आपको बताई जाएगी वीडियो में ही। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की प्रमाणित शुदा मय सील प्रतिलिपि तत्काल उक्त दस्तावेज दिनांक 23 मई 2024 को वाक स्तर पर इस कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। नियुक्ति आदेश की प्रमाणित शुदा प्रतिलिपि मूल विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों अथवा अंकतालिकाओं एवं एक फोटो प्रति साथ में लेकर के स्थानीय कार्यालय में उपस्थित होना है। इसके अलावा यह भी निर्देश किया जाता है कि इस लिस्ट में अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओपीजीएस विश्वविद्यालय रावसर कुंजला जिला चुरू अथवा जेएस विश्वविद्यालय सुकाबाद फिरोजा यूपी से बीपीएड अथवा डीपीएड से डिग्री प्राप्त किए, उनके भी उपयुक्त वर्णित दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाना है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। तो ये पीटीआई भर्ती 2022 से संबंधित बड़ी अपडेट आज की। ये कार्मिकों की लिस्ट भी है, यहाँ पर अभ्यर्थियों की लिस्ट है आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहां पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर से कार्यालय आदेश, कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 5 यहां पर अंकित स्थान से उपस्थिति प्रमाण पत्र और अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर आयत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्था प्रदान इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि इस अवधि का वेतन अथवा भुगतान आरण पूर्व में नहीं हुआ हो। और यह भी निर्देश किया गया है कि वर्तमान में वेतन भुगतान किया जा रहा है, उसी स्थान से कार्मिक के बकाया डीए एरियर बोनस समर्पित अवकाश एसीपी एरियर इत्यादि का भुगतान भी नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर देख सकते हैं कार्मिक में पद और पदस्थापन स्थान अवधि और विद्यालय मृत पद का विवरण जहां से वेतन आरण किया जाना है। तो वेतन आरण को लेकर की अपडेट, कार्मिकों की लिस्ट आप देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन में। इन सभी आदेशों की पीडीएफ और सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रेगुलर प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल से अवश्य जुड़े और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। तो आज की इस समय की शिक्षा विषय से संबंधित ये थी 3 से 4 महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं साथियों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।